पड़ा मुझे टेबल चाहिए, और मैंने कितनी इसमें रोज़ रखनी है, कितनी बड़ी रखनी है, कितनी छोटी रखनी है, ये मैं यहाँ से इसको डिफ़ाइन करता जाऊँगा। देखें, क्लिक पकड़ा मैंने, लास्ट में ले गया, ये मेरी रोज़ बन गई, और यहाँ से मैंने इसके ये कॉलम्स बना दिए। यानी कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी साइज़ का टेबल, चाहे मैं उसका कॉलम कोई बड़ा रखूँ कोई छोटा रखूँ, मैं चाहूँ जी मेरे पास ये बड़े कॉलम आ जाएँ, बाकी यहाँ पर ये हो जाए, तो इस तरीके से मैं टेबल बना सकता हूँ। आपने अक्सर ऐसी शीट्स देखी होंगी कि कहीं पे कॉलम बना हुआ है, दो कॉलम हैं तो आगे वाला कॉलम नहीं है। इस तरीके से आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। जी हाँ, ठीक है जी। इसके अलावा स्प्रेडशीट आप जो है वो इसमें इंटर कर सकते हैं। ये एक्सेल के ऑप्शन जब आएगा तो आप इसमें डायरेक्टली यहाँ पर उस वहाँ पर काम करके आप अपने टेबल को देखें, वो जो शीट थी वो यहाँ पर इस टेबल के अंदर इंसर्ट हमने कर दी। ठीक है, वो जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो हम उसको दोबारा एक चीज़ को सीख लेंगे कि किस तरह की से हम एक्सेल की शीट जो है वो वर्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखें, हमारे पास एक चीज़ आ रही है, चले हम थोड़ा सा टेबल की प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद देखें, यहाँ पर मैंने ये सिलेक्शन की हुई थी। अगर मैं इसकी चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ, पेन के कलर को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पर चेंज करने का ये मकसद होगा कि मुझे दोबारा इन पर क्लिक करना पड़ेगा। जिस जिस पर मैं क्लिक करता जाऊँगा ये वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी डिज़ाइन मैं ले सकता हूँ डायरेक्टली, टेबल पूरे का डिज़ाइन यहाँ से आपको मिल जाएगा। टेबल स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं, देखें, और यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस आ जाते हैं। आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं इनके, ठीक है, और यहाँ से आप शेडिंग के कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जो शेड आपने रखना है वो शेड आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। बॉर्डर स्टाइल आप यहां से भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका यही है कि आपको वो दोबारा से चीज़ें ड्रा करनी होती हैं इस बॉर्डर के ऊपर, फिर जाके ये ड्रा होगा। ये देखें, एक डिफरेंट स्टाइल का टेबल हमने डिज़ाइन कर दिया। ठीक है जी, टेबल तक की कहानी आ गई समझ में। अगर आपने डेटा डालना है तो यहाँ पे डेटा भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक शीट बना रहा हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ जी सीरियल नंबर, इसमें डाल देता हूँ जी नेम, फादर नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह वगैरह, ये मेरी हेडिंग्स हो गई। नीचे मैं यहाँ से रिकॉर्ड किसी का भी बनाना शुरू कर सकता हूँ। बाकी इनको फॉर्मेट तो आप वैसे ही होम टैब में सीख चुके हैं कि टेक्स्ट को आपने कैसे फॉर्मेट करना है। ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज़ और देखें, अब मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला कॉलम ख़त्म करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट कॉलम भी करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, या अगर मैंने एक कॉलम ऐड करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और मैं इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम टू दी लेफ्ट कर दूंगा तो वो लेफ़्ट में आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ नहीं ये लास्ट में आए तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कॉलम टू दी राइट, तो ये राइट में एक कॉलम बढ़ गया। अगर आप कोई रो बढ़ाना चाहते हैं तो, लेकिन सिलेक्शन मस्ट है, जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वही बढ़ेगी। ठीक है, आप अगर दो लाइनें सिलेक्ट कर लेते हैं तो दो बढ़ जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैंने दो रो सिलेक्ट करनी, राइट क्लिक किया, इंसर्ट रो ब्लो, एबोव करेंगे तो इनके ऊपर आ जाएंगी, ब्लो करेंगे तो इनके नीचे आ जाएंगी। देखें, नीचे रो दो रोज और ऐड हो गई। इस तरीके से आप टेबल के अंदर अपनी मर्ज़ी से सेल्स वगैरह, कॉलम्स वगैरह, रोज वगैरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में।